Viewers and listener, I hope you will be fine, happy and healthy. Today we are going to begin the third class in conjunction. First of all, we talked about the definition of conjunction, and then we talked about the coordinating conjunction. Then we also talked about the four types of coordinating conjunction. Today we are going to talk about the subordinating conjunction. सबऑर्डिनेट नाम से ये जाहिर है कि मातहत, सबऑर्डिनेट का माना है मातहत, राइट। इसको डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास के साथ ये इस्तेमाल होता है। जब हम कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। तो डिपेंडेंट क्लास वही होता है जो अपना माना खुद नहीं दे सकता है, जिसके कम्प्लीट सेंस जानने के लिए उनके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वही होता है जो किसी भी सबऑर्डिनेट क्लास को या डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिला लेते हैं या मेन क्लास के साथ मिला लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास एक होता है और एक मेन क्लास होता है। सबऑर्डिनेट को डिपेंडेंट भी कहते हैं और मेन क्लास को इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद क्लास भी कहते हैं। आज़ाद वही होता है जो अपना माना खुद दे सकते हैं। तो आज हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। इट कंबाइन सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लासेस। ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास को मिला लेती है टू द मेन और इंडिपेंडेंट क्लास, यानी मेन या इंडिपेंडेंट क्लास के साथ। मेन क्लास भी हो इसका नाम है और इंडिपेंडेंट भी है। इसी तरह सबऑर्डिनेट मातहत वाले का सबऑर्डिनेट नाम भी है और डिपेंडेंट नाम भी है। तो हमें ये याद रखनी चाहिए। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, अगर अब हम कहें इफ यू वर्क हार्ड, अगर आपने सख्त काम किया तो माना पूरा नहीं है। ये बंदा एक और क्लास की इंतज़ार करते हैं कि क्या हो जाएगा अगर तुमने सख्त काम किया, मैंने सख्त काम किया, मेहनत किया तो क्या हो जाएगा। सो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड, ये मेन क्लास है और ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लास है। और सबऑर्डिनेट क्लास में ये इफ जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। इसी तरह कीथ डाइड बिफोर ही रीच्ड मैच्योरिटी, बिफोर ही रीच्ड मैच्योरिटी, यानी वो बलूगत तक पहुंचने से पहले या मैच्योरिटी तक पहुंचने से पहले, तो मैच्योरिटी तक पहुंचने से पहले क्या हुआ। तो अगर ये जुमला नहीं हो कीट्स डाइड, ये मेन क्लास है, कीट्स डाइड ये शुरू में आया है। बिफोर ही रीच्ड मैच्योरिटी दिस इज सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास है। तो ये और ये बिफोर जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब किसी जुमले में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए तो इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पीर कहते हैं। जब ये कम्प्लेक्स सेंटेंस को मिला लेते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में तो दोनों मेन क्लास होते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लास होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। एक सब कुछ और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो बिकॉज, सेंस, दो, आल दो, बिकॉज मीन क्योंकि, सेंस चूंकि, दो अगरची, आल दो आल्सो अगरची, एज मच एज इतना ज़्यादा जितना के, हावेवर था हम, बिफोर पहले, टेल उसी वक्त तक, एज सुन एज जून ही, अनटिल उसी वक्त तक, वाइल वेन और वियर, ये सब कुछ इनसे जो जुमले शुरू होती हैं तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले सेंटेंस होते हैं। और एक तीसरा किस्म जो है कोरेलेटिव कंजंक्शन, कोरेलेटिव भी सबऑर्डिनेट से मिलता जुलता है, ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं है, लेकिन बाज़ ग्रामेरियन इन दोनों को एक ही कंजंक्शन समझते हैं और बाज़ कहते हैं कि नहीं ये अपने एक आज़ाद खुद कंजंक्शन है। तो कोरेलेटिव कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर, ये ख़ासकर जोड़ों में इस्तेमाल होता है, यानी जोड़े की सूरत में इस्तेमाल होता है। एंड जॉइन सिमिलर और पैरेलल स्ट्रक्चर, और ये मिला लेती है एक जैसे या मुतवाजी स्ट्रक्चर या साख्त को, मुतवाजी साख्त को एक दूसरे से मिला लेती है। जैसे मिसाल के तौर पर ईदर सलीम और अनवर,
either Salim or Anwar, either or, either Salim or Anwar should attend the party. यानी पार्टी को एक बंदा जाए, शादी का पार्टी है और दावत दी है, तो या तो सलीम जाए या अनवर जाए, लेकिन कोई ना कोई तो जाए वहाँ पर. सो ईदर आर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है. इसी तरह नीदर टी नार काफ़ी हैज़ टू बी सर्व्ड, न तो चाय पेश कर लेंगे मेहमानों को और न काफ़ी पेश कर लेंगे मतलब देंगे. सो नीदर नार ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है. इसी तरह बोथ पाकिस्तान एंड चाइना आर इन एशिया, दोनों पाकिस्तान और एशिया चाइना में है, तो बोथ और एंड एक जुमले में जब आया और उन्होंने दो जुमलों को मिला लिया, पाकिस्तान एज इन एशिया और चाइना एज इन एशिया, सो बोथ पाकिस्तान एंड चाइना और इन एशिया इनको मिला लिया, तो ये बोथ और एंड जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है. चौथा नंबर पर है दो ही डिसलाइक मी, अगरचे वो मुझे पसंद नहीं करता है, यट आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम, ओ स्टिल आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम. तो दो एंड यट और दो एंड स्टिल ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है, मुख्तलिफ जुमले आपस में मिला लेते हैं. दो यट ये भी एक जोड़े की सूरत में है या पैरेलल स्ट्रक्चर है. इसी तरह योर फादर इज सच अ नाइस मैन दैट आई वाना मीट हिम अगेन, योर फादर इज सच अ नाइस मैन दैट आई वाना मीट हिम अगेन. सो सच और दैट ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है, आपका वालिद इतना अच्छा बंदा है कि मैं उससे दोबारा मिलना चाहता हूँ. सो योर फादर इज सच अ मैन दैट आई वॉन्ट टू मीट हिम अगेन. And the next one is, our country is as beautiful as he one. So as ये भी correlative conjunction में भी इसका अशमार होता है. हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है जितना कि जन्नत खूबसूरत है. So as और as ये भी correlative conjunction है. So dear viewer and listener, this was the discussion about conjunction. We talked about all the types of conjunction and the definition of conjunction. Try to watch the video regularly and try to share it with your near and dear one. Thank you so much. Khuda Hafiz.